आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस है वो आपको मिलते रहे, फटाफट नोटिफिकेशन आती रहे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस वीडियो के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ से अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अगर आप यहाँ से मेरे पीछे जहाँ से आपको देख रहे हो, अगर आप यहाँ से होलसेल का सामान खरीदते हो तो उसे आप माल अगर आपका नहीं बिकता, अगर आप वो बिजनेस न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि हमें बेचना नहीं आता, माल हमसे बिकता नहीं है, तो वो माल आप ला के यहाँ पे रख दो, आपका पैसा वापस हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल वापस हो जाएगा। कंपनी आपको यहाँ तक सपोर्ट कर रही है दोस्तों। दोस्तों अगर आप यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हो तो ये एक मैन्युफैक्चरर है, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आज इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे चीजें बनती है और कैसे आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्राप्त कराया जाता है। यहाँ पे अपने सामने आप मैन्युफैक्चरिंग कराकर सामान होलसेल में खरीद सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आइए मेरे साथ देखते हैं कि कैसे पूरा प्रोसेस होगा, कैसे प्रोडक्ट बनता है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या चीजें ये यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने में, तो आइए मेरे साथ। दीक्षित ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। देखिए हम यहाँ पे हैं मैट्रेस मैन्युफैक्चर, हम बनाते हैं बहुत आरामदायक उम्दा क्वालिटी के गद्दे मैट्रेस जो हमारी अच्छी आपको अच्छी नींद के लिए। अब हम क्या करते हैं गाइस, अपने जीवन का 30% एरिया, 30% जो हमारा जीवन काल है उसमें हम 30% सोने में बिताते हैं। देखिए डॉक्टर भी कहता है 8 घंटे की आपको नींद लेनी चाहिए, 8, 16, 24 घंटे पूरे ही होते हैं, तो हम वो 1/3 जो बिताते हैं उसके लिए हमें एक अच्छा मैट्रेस चाहिए ताकि हम अगला दिन तरोताजा उठ सके और स्फूर्ति के साथ अपने काम पे लग सके। तो उस अच्छी नींद के लिए, उस अच्छे आराम के लिए आपको जो एक बेहतरीन और बहुत उम्दा क्वालिटी का मैट्रेस मिलने वाला है वो आपको मिलता है दीक्षित ट्रेडर्स में। अब वो होता कैसे है, उसका प्रोसीजर क्या है, हम उसको क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसमें हम क्या क्वालिटी यूज करते हैं, वो मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम बना रहे हैं स्प्रिंग मैट्रेस। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जब से फोम के मैट्रेस बनने चालू हुए तो स्प्रिंग मैट्रेस ने अपना एक मुकाम बनाया, एक सिंहासन पे वो जाकर बैठ गया। लग्जरी मैट्रेस है, स्प्रिंग मैट्रेस है, बहुत उम्दा क्वालिटी का मैट्रेस है। इस मैट्रेस के अंदर भी हम दो तरह के मैट्रेस होते हैं, पॉकेट स्प्रिंग और बोनल स्प्रिंग। देखिए मार्केट में होता क्या है कि मार्केट में आपको दिखाया जाता है पॉकेट स्प्रिंग और दिया जाता है बोनल स्प्रिंग, और बोनल स्प्रिंग भी जो दिया जाता है बड़ी लो क्वालिटी का दिया जाता है। उसके अंदर क्या चोरी करी जाती है, क्या आपसे छुपाव करा जाता है, क्या आप लोगों के साथ दगा करा जाता है, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ दीक्षित ट्रेडर्स का मैट्रेस और मार्केट का काला सच, दोनों में आपको साथ साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको ये बताना, जो मैं बता रहा था मैट्रेस होते हैं स्प्रिंग मैट्रेस दो तरह के, पॉकेट स्प्रिंग और बोनल स्प्रिंग। आज हम दिखाएंगे बोनल स्प्रिंग। पॉकेट स्प्रिंग क्या होता है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। पॉकेट स्प्रिंग जो होता है आप किसी भी 5-स्टार होटल्स में जाते हैं और आप 12 इंच का मैट्रेस, 16 इंच का मैट्रेस होता है, बैठते हैं और आधा उसके अंदर चले जाते हैं, बड़ा बहुत अच्छी स्टब होती है, होता है पॉकेट स्प्रिंग। उसी की जो नकल या फिर उसी की जो छोटी बहन हम कहें तो होती है बोनल स्प्रिंग। बोनल स्प्रिंग में जैसे आपके सामने रखा है ये लोहे का जाल होता है, पॉकेट स्प्रिंग में स्टील का जाल होता है। बोनल स्प्रिंग ये देखिए, ये इसके अंदर स्टील का जाल है, जैसे इसके अंदर लोहे का जाल है। अब ये जो होता है ये आप देखिए, ये जो होता है इसमें स्टील का होता है जो कॉटन के फैब्रिक से कंपनी से ही फिटेड होकर आता है। इसको हम आपके सामने फिट करने वाले हैं, तो यही जो फर्क इसका है, इसी स्टेप का है और इसका है, ये थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी सॉफ्ट है, यही फर्क होता है पॉकेट स्प्रिंग और बोनल स्प्रिंग में। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इसे हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। हम आते हैं बोनल स्प्रिंग पे। तो गाइस आप देख पा रहे हैं ये बोनल स्प्रिंग का जाल है जो 2.5 mm का है। 2 mm बोले तो ये जो इसकी जो ना कटिंग है, जो इसकी मोटाई है, ये जो मार्केट में जो आपको जाल मिलता है और आपको जो मैट्रेस मिलता है इसकी जो ये कड़ी है बड़ी बारीक होती है, मतलब बड़ी महीन होती है, बड़ी छोटी होती है। हमारी देखिए मजबूत है और कितनी अच्छी तरीके से पिन पॉइंट ये पूरी तरह से कवर्ड है, इधर से भी और इधर से भी, तो ये बहुत अच्छी और मजबूत तरीके से बनाया हुआ है। इसमें भी क्वालिटी आती है, हम आपको यहाँ पर देते हैं क्वालिटी। देखिए दीक्षित ट्रेडर्स में हम आपके साथ क्या करते हैं, दगा नहीं करते, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, फरेब नहीं करते। और मार्केट में जो होता है,
2.5 mm का जो जाल है, इसके बाद में हम इसके शैडो में लगाने के लिए चोकटा यूज करते हैं। वो जो चोकटा होता है ये 40 डेंसिटी का, 40 डेंसिटी फोम बोले, क्योंकि देखिए ये जो इसका बेस होता है और इसके बेस की वजह से ही ये टिका रहता है, इसके ऊपर की फोम टिकी रहती है। ये 40 mm का हमने चोकटा बनाया है, इसे हम शैडो में लगाएंगे, भैया आएंगे प्रोसीजर पूरा करेंगे, तो मैं आपको इसे क्वालिटी से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। इसके बाद में क्या है कि इसके ऊपर क्या होता है ना, देखिए मार्केट में आप लगाइए, ये जैसे मैं आपको बताया जाल के ऊपर ये चोकटा फिट करा जा रहा है, इसे हम चोकटा कहते हैं। इसके बाद में हम इसके ऊपर लगाएंगे फेल्ट। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं, फेल्ट लगाते हैं तो मार्केट में ये होता है ईपी, ईपी बोले तो मार्केट की चोरी। तो ये कभी भी मेटेरियल नहीं था मैट्रेस का, ये पैकेजिंग मेटेरियल था और इसको लोग बाबू ने इसमें यूज करना चालू करा। अब गाइज आप देखिए एक सेकेंड, ये जो ईपी है ये बहुत बारीक होती है, एक तरह की पन्नी होती है, हमने इसको ऐसे करा, उसको हमने फाड़ दिया, ठीक है जी। इसको इसको इसे इसके ऊपर लगा देते हैं मार्केट में, इसके ऊपर फोम लगाते हैं। अब जब ये स्पंज करती है तो इस तरह से फट जाती है, चुभेगा सर। हाँ जी, फिर ये फोम को फाड़ कर ऊपर आ जाती है और आपकी बॉडी को भी डैमेज करती है। हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फेल्ट। फेल्ट बोले तो जो इसमें यूज होनी चाहिए ओरिजिनल। ये आप देख पा रहे हैं इसकी मोटाई, ये 15 mm मोटी है और आप ये देखिए इसकी मजबूती। पकड़ो भाई, खींचो भाई, हम इसे खींचेंगे, पकड़ेंगे, फाड़ेंगे किसी भी तरीके से। आप ये देखिए नहीं फट रही है, हमने इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, देना कुछ भारी चीज, हमने इसे इस तरह से, इस पर हमने किसी भी चीज को मारा, अगर हमने इसकी कोरी पे भी मारा, ये आप देखिए क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हम कोले से पुश करते हैं तो वो जल्दी डैमेज हो जाता है। हमने इतना सब करा और अब आप बताइए हमने कहां मारा, यहाँ पे सर, यहाँ मारा तो वो पता भी नहीं चल रहा है, आप देखिए, मतलब वो उसने ये डैमेज नहीं हुआ, अच्छी क्वालिटी है, डैमेज नहीं हुआ तो आपके बैठने से कहाँ होगा। तो हम ये मजबूत फेल्ट यूज करते, कोई भी जो उसपे वाटर वाटर गिरेगा तो नीचे की चीज को बचाएगा, देखिए वो भी बचाएगा। और दूसरा जो स्प्रिंग है, जब ये पुश होगा, आप करते रहिए, जब स्प्रिंग पुश होगा तो जैसे स्प्रिंग ने फेल्ट को फाड़ देती है और ऊपर आ जाती है, तो इसपे से फेल्ट को इसपे से फाड़ कर ऊपर नहीं आएगी। ये उसकी मजबूती हुई और ये वही मटेरियल है जो उसमें यूज होना चाहिए, वो एक उम्दा क्वालिटी का। तो हमने स्प्रिंग के ऊपर साइडों में चोकटा लगाया, इसके ऊपर हमने फेल्ट लगाई, बूथ साइड दोनों साइड। उसके बाद हम इसके ऊपर फोम लगाएंगे, तो आप देख रहे हैं भैया कर रहे हैं, अब आप देखेंगे भैया को करते हुए, उसके बाद जब हम इसके ऊपर फोम लगाएंगे तो फिर हम आपसे बताते हैं। जो ऊपर से हम लगाते हैं जो लेयर है, इसे सुपर सॉफ्टी फोम कहते हैं। अब सुपर सॉफ्टी फोम बोले तो देखिए इसकी भी क्वालिटी होती है। अब इसकी क्वालिटी की बात करें तो एकदम मक्खन फूल एकदम, आप समझ रही है। और इसकी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो इसको हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे मरोड़ा, आप देखिए इसको होल्ड करा, होल्ड करने के बाद में हमने इसको छोड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो ये एकदम सुपर सॉफ्टी फोम हम इसके ऊपर लगाते हैं बूथ साइड, आप देख रहे हैं इसे, उसको हम अच्छी तरह से ग्लो करते हैं, इसको अच्छी तरह से हम जैसे इसके ऊपर हम लगाएंगे फेल्ट के ऊपर, हम इसको अभी ग्लो से चिपकाएंगे और बूथ साइड इस तरफ भी और उस तरफ भी। देखिए गाइस जैसे आप देख पा रहे हैं होता क्या है, अमूमन मार्केट में क्या करते हैं कि इसके ऊपर फैब्रिक रखा और इसे स्टिच कर दिया, इसके ऊपर फैब्रिक रखा और इसे स्टिच कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर पहले ग्लो लगाते हैं, आप देख रहे हो कि ये ग्लो लगाई है
और ग्लू लगाने के बाद में, क्योंकि हमारे देखिए कपड़े के पीछे भी इसमें फोम है, इसे हम कहते हैं कुल्टिंग। तो ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर देखिए आपको जो फोम मिलने वाली है, एक्स्ट्रा मिलने वाली है, ये भी एचडी होती है। इसकी क्वालिटी देखिए कितनी मोटी है, मैं इसको खींचूंगा ये देखिए कितनी बारीक हो गई, बट ये फटी नहीं। तो एचडी क्वालिटी का कुल्टिंग कवर है, इसके पीछे भी फोम है, इसके पीछे भी फोम है। तो पहले हमने देखिए ये ग्लू लगाई, ग्लू के ऊपर हमने पहले इसको पेस्ट करा, हम इसको ये पेस्ट कर रहे हैं। देन हम उसके बाद इसमें जो ना उस मशीन पर अभी आप देखेंगे जो प्रोसेस होगा स्टिच का, तो हम सिर्फ इसको ऐसे ही नहीं करते हैं। देखिए गाइस हम बोर्ड मिनिमम देखिए क्वालिटी तो हम लगा ही रहे हैं, बट उसके बाद में हम बनाने के तरीकों पे भी बहुत छोटे छोटे पे ध्यान रखकर चलते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि ओल्ड रोज चिपक गया है, ये ऐसे नहीं उठ रहा है, अदरवाइज क्या होता है कि पीछे से पेड़ बन जाता है, ऐसे ऐसे हिलता है। हमने इसको चिपकाया और यहाँ पे चिपकाने के बाद में अब हम उसको वहां पर जाके उसको स्टिच करेंगे वहां पे ना। हाँ जी, उस मशीन पर हम इसको स्टिच करेंगे। अब देखेंगे यहाँ से उधर जाएगा, स्टिच कर दिया है एक तरफ हमने इसको पेस्ट कर दिया है, हम इसको दूसरी तरफ का कपड़ा इधर पेस्ट करेंगे। दोनों तरफ का पेस्ट होने के बाद में फिर हम उस मशीन पर जाएंगे, इसकी साइडें लगाएंगे और फिर हम इसको कुल्ट करेंगे। देखिए अब इस तरफ भी हम इसको स्टिच करने के लिए पेस्ट कर रहे हैं। देखा दोनों तरफ हमने इसको ग्लू कर दिया है, ग्लू करने के बाद में ये जो साइड पट्टी भैया लगा रहे हैं, साइड पट्टी लगाने के बाद में हम इसके ऊपर जो ना हम इसको स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे। अब सिलाई का भी गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो मशीन है और इसके जो टांके हैं, जो ये चलती है, जो इसके धागे हैं, वो सबसे कम स्पीड पे हम चलाते हैं ताकि स्टिच मजबूत हो और बहुत अच्छी तरीके से हो। और इसके ये देखिए ये तो इसकी बिटिंग है, ये बिटिंग भी हम कितनी उम्दा क्वालिटी की, कितनी मोटी लगाते हैं क्योंकि यही इसके बेस को लेती है। अब ये बिटिंग के साथ देखिए। और गाइस जब भी हम आपका मैट्रेस बनाते हैं तो हम आपका मैट्रेस जो उसमें कलर डिजाइन है, जो बिडिंग के डिजाइन है और जो आपके फैब्रिक के डिजाइन है, वो हम आपसे पूछ कर उसमें यूज करते हैं। तो ये आप देखेंगे बिडिंग लग रही है और इसके हमने उमदा क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की बिडिंग है। हमारे जो मशीन है इसके धागे हैं, वो बहुत कम कर रहे हैं, बहुत छोटे धागे कर रहे हैं ताकि सिलाई मजबूत आए। और ये आप देख पा रहे हैं करना ही नहीं तो हम क्यों उसमें इतना बट लगाएं। हम हर तरह से आपके लिए एक उम्दा क्वालिटी का मैट्रेस बनाने के लिए यहाँ पे प्रयत्न हैं और हम हर वो काम करते हैं जो आपको एक क्वालिटी दे और ट्रांसपेरेंसी दे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं एक तरफ की स्टिच पूरी हो गई है और अब इसको हम दूसरी तरफ स्टिच करेंगे, उसके बाद में हम इसको पन्नी पैक करेंगे, आपका मैट्रेस तैयार हो जाएगा। अब मैट्रेस आपके यहाँ जाने के लिए एकदम तैयार है, अब ये पन्नी पैक हो रहा है। आप
आपने देखा गाइस वो मैट्रेस बनता हुआ। इसी तरह से हमारे पास अगर आपको चाहिए रिबोंडेड का ऑर्थोपेडिक मैट्रेस हम बनाते हैं, प्रोफाइल फोम मैट्रेस हम बनाते हैं, मेमोरी फोम मैट्रेस हम बनाते हैं, स्प्रिंग मैट्रेस, तो किसी प्रकार का कोई भी मैट्रेस अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। दीक्षित ट्रेडर्स में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है।